जो आपको हैरान करने जाएगा और ज्यादा, क्योंकि बॉर्डर पर तालिबानी लड़ाकों और ईरानी गार्ड्स के बीच में भीषण जंग हुई है। सीधे विजुअल दिखाएं, निमरोज बॉर्डर पर दोनों तरफ से चली ताबड़तोड़ गोलियां। तालिबान का निमरोज प्रांत के बॉर्डर चेक पॉइंट पर कब्जे का दावा। तालिबान के हमले के बाद ईरान का जवाबी हमला है। ईरानी गार्ड ने तालिबानी लड़ाकों पर तोप से की गोलीबारी। जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सीधे फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएं, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। कस्वर इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं कस्वर भाई के पास चलूंगा। ये जो तस्वीरें आई हैं, सीधे मैं चलूंगा कस्वर भाई, ये हुआ क्या एकदम से, सडनली हुआ क्या? निशांति, बहुत ही खौफनाक किस्म की वहां पे झड़प हुई है, और ये अभी एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता कि ये इसका कारण क्या था, इसके पीछे क्या इसकी रीजन थी। हम शॉर्ट आउट कर रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी खौफनाक किस्म की झड़प, क्योंकि हाँ, आपको पता है दो हफ्ते पहले ही ईरान और तालिबान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उनके दरमियान बातचीत चल रही थी। हजारा कबाइल के जो 20,000 इस वक्त बॉर्डर के ऊपर लोग मौजूद है, उनकी सेटलमेंट के हवाले से बातचीत चल रही थी, और दूसरे और भी हवालों से इनका आपस में बड़ा रब्ता था। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन इस किस्म की एक, जिस तरह मैं जनरल बख्शी को बड़ा अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने एक बात कहा था कि कहीं भी एक चिंगारी एक उठ सकती है जो तालिबान। आप जो बता रहे, मैं एक मिनट यहां पर आपको रोकूंगा कसर भाई, मैं दोनों तस्वीरें दिखा रहा हूं, एक तरफ तालिबान का हमला है, दूसरी तरफ ईरान की जवाबी हमला जो है। सीधे जो दोनों तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से भयावह करने वाली तस्वीरें, तालिबान का भीषण अटैक और ईरान का जवाबी हमला, ये देखें आप, और ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, इन तस्वीरों को देखें आप। कसूर भाई, मैं चाहूंगा इन दोनों विजुअल्स के साथ सीधे, कसूर भाई ये पहली बार नहीं है ऐसा हो चुका है, मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये यहां पर एक और ट्रिगर पॉइंट है? बिल्कुल एग्जैक्टली है, मैं आपको बताऊं कि जो पहली दफा जो जितनी छोटी मोटी झड़पें थी, इसका उनका तो कंपैरिजन ही नहीं बनता इसके साथ। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे दो आर्मीज का एक फुल फ्लेज एक फुल स्केल वॉर बॉर्डर के ऊपर है। और मुझे मैं आपसे सहमत हूं कि जिस तरीके से ये लोग एंगेज हो गए हैं, कि मेरा ख्याल है कि चिंगारी एक बढ़ चुकी है और बहुत बड़ी फुल फ्लेज एक वार की हमें शक्ल यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेरा ख्याल है कि हालात आगे से बहुत ज्यादा गंभीर होने के चांसेस है निशान पर। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।